हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो गाइस, व्हाट्स अप। तो भाई लोग, आपको पता है कि पोकेमोन को मैं हर 2 महीने, हर 3 महीने में इवेंट्स होते रहते हैं गाइस। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल जीत जाते हैं। तो एक बात बोल दूँ गाइस, इवेंट चाहे बड़ा हो या छोटा हो फ़र्क नहीं पड़ता है, मैटर ये करता है कि आपने उस इवेंट में कैसा खेला गाइस, या फिर आपकी उस इवेंट में क्या किस्मत रही। तो गाइस, इवेंट डिपेंड करता है कि सबसे बड़ी चीज़ में ये होती है कि उस इवेंट में क्या मिलने वाला है गाइस। ठीक है, सपोज गाइस कोई इवेंट आ रहा है फेरी टाइप का इवेंट। अब मेरे जैसे प्लेयर जिसको फेरी टाइप पोकेमॉन पसंद ही नहीं है, तो वो उसके लिए बेस्ट नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ कि ऐसा इवेंट जो कि सबके लिए बेस्ट रहता है गाइस। मतलब वो इवेंट ही ऐसा है कि मतलब उसके आने से ना सब लोग खुश हो ही जाते हैं। तो भाई लोगों, अभी आप लोगों ने कितने इवेंट्स खेले हैं पोकेमोन को मैं कमेंट करना, बड़े बड़े इवेंट। तो गाइस, जो मेरा पोकेमोन का सबसे पहला इवेंट था जो था थ्रोबैक चैलेंज, वो इवेंट गाइस मेरे लिए बहुत बेहतरीन था। उसके पीछे रीज़न ये है कि ना तो मुझे वहाँ कोई फैरी मिला, ना मुझे कोई 100 EV का मिला, बट मुझे वहाँ जो भी मिला वो आज भी मैं यूज़ करता हूँ गाइस। ठीक है, तो हर इवेंट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको आप लोग आगे तक यूज़ कर सकते हैं, जब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक उससे बेहतर ना मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब समझ रहे ना मेरी बात। तो अभी हम लोग बात करते हैं कुछ इवेंट्स के बारे में। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि आपका फेवरेट इवेंट कौन सा, या फिर आपने कौन कौन से इवेंट खेले हैं पोकेमोन गो में। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, सबसे पहले आता है गाइस आपका जनवरी के टाइम पे जो इवेंट होते हैं गाइस, वो बड़े अलग इवेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जनवरी में जो इवेंट होता है, जैसे वैलेंटाइन डे होता है, तो वहाँ के उस टाइम पे गाइस एक इवेंट होता है। उस इवेंट वो इवेंट में जो पोकेमोन अपीयर होते हैं गाइस, वो बहुत लोगों को पसंद आते हैं। सबसे जो मेन पोकेमोन होता है उस इवेंट का, वो होता है गाइस गैराडोस। आपको रेड पोकेमोन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रेड हो गया, शायद से येलो भी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से। गैराडोस मिलता है भाई जनवरी के इवेंट, जनवरी फरवरी में इवेंट होता है ब्रो। वो इवेंट में गाइस आपको कन्फर्म गैराडोस वाइल्ड में मिल ही जाता है। बहुत सारे लोग हैं, जब मैंने गेम स्टार्ट किया था, मैंने फैब में डाउनलोड किया था, बट स्टार्ट मैंने मार्च में किया था होली के बाद 2020 में। तो मेरे को गैराडोस, तो मुझे पहले से पता था कि गैराडोस नाम का एक पोकेमोन होता है, बस गैराडोस और चैरिज़ार्ड मुझे पता था कि भाई ये दो पोकेमोन हैं जो कि अच्छे हैं गाइस, बाकी पिकाचू ये सब तो पता ही थे। तो भाई ये मुझे चाहिए थे और मुझे कहीं मिलते भी नहीं थे गाइस। पूरा मतलब मैं तो स्पूफ करता नहीं था, मैं पूरा मोहल्ला घूमता था, बट मुझे ये पोकेमोन मिलते ही नहीं थे गाइस। तो भाई जब पूरा 1 साल बीता, तब चला पता कि एक ऐसा इवेंट होता है, तब मैं सोचा यार अगर 2 महीना पहले खेलता तो मुझे इतना ढूंढना नहीं पड़ता और ना ही इतनी मैजिक कार्प पे मेहनत करनी पड़ती गाइस। तो गाइस ये एक इवेंट हो गया, इसका नाम आप लोग कमेंट करना कौन सा वैलेंटाइन डे के टाइम पे होता है ये इवेंट। उसके बाद गाइस आपका इवेंट आता है जो कि है गाइस आपका गो फेस्ट। आफ्टर 6 मंथ आता है गाइस गो फेस्ट। गो फेस्ट सबसे बड़ा इवेंट है गाइस। गो फेस्ट एक अकेला इवेंट नहीं है, पर दो इवेंट एक साथ होते हैं। एक तो गो फेस्ट होता है जो कि जुलाई में होता है, और जुलाई में एक और इवेंट होता है जो कि है गाइस आपका एनिवर्सरी। सो गाइस गो फेस्ट तो आपको 2 दिन चलेगा, बट एनिवर्सरी गाइस लंबी चलती है, ये पूरे महीने चलती है। एनिवर्सरी में गाइस आपका अल्ट्रा अनलॉक आ जाता है, ये कुछ पार्ट होते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अपन ने अभी 3 इवेंट्स के बारे में बात कर ली है, वो 3 इवेंट्स आपको चल गए पता। उसके बाद गाइस आता है आपका सबसे शानदार इवेंट जो मुझे लगता है, और इस इवेंट का जो मैं नाम ले रहा हूँ ये मेरा फेवरेट है गाइस। पहले नहीं था, बट मैंने बाकी जितने भी इवेंट्स खेले हैं इससे बेटर इवेंट आज तक नहीं लगा है। इस इवेंट का अच्छे होने के पीछे की जो रीजंस हैं वो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस। गो फेस्ट सभी को अच्छा लगता है, बट गो फेस्ट की एक डीमेरिट है कि वो पेड है गाइस, वहाँ रुपये देने पड़ते हैं। तो गो फेस्ट हर कोई नहीं खेल सकता, बट गो फेस्ट के फीचर आप इन्जॉय कर सकते हैं, बट टिकट नहीं मिलती और टिकट के बिना समझ नहीं आता गेम में करना क्या है। तो आपका जो ये इवेंट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इस इवेंट में सबसे बड़ी चीज़ है गाइस, मेरी फेवरेट टाइप आती है। मुझे गाइस डार्क एंड घोस्ट टाइप बहुत पसंद है गाइस। डार्क, घोस्ट और ड्रैगन, ये 3 मेरी फेवरेट टाइप है गाइस। अगर ये 3 मेरे पास है तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ, क्योंकि समझ गए ना तुम लोग। तो ये जो इवेंट है ये इन 3 चीज़ों को बढ़ावा देता है। ड्रैगन को इतना नहीं देता, बट डार्क एंड घोस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है गाइस। और इस टाइम जो रेट्स होती हैं गाइस वो भी इसी के ऊपर होती हैं। तो ये एक त्यौहार है गाइस, ये अमेरिका का त्यौहार है, क्रिश्चियंस का त्यौहार है गाइस। कमेंट करो कौन सा
कौन से, मैं मतलब फेस्ट की बात कर रहा हूँ, कौन से इवेंट की बात कर रहा हूँ जो इतने मतलब हाइप क्रिएट हो रही है। लास्ट ईयर इस टाइम पे गाइज मेगा गेंगर आया था, इस बार गाइज यहाँ पर आ सकता है। गाइज डार्क राई की रेट्स हो सकती हैं, डार्क राई का रेट आपको बारे में पता ही है, और भी बहुत कुछ हो सकता है गाइज। इस इवेंट का नाम है गाइज हेलोवीन इवेंट। हेलोवीन इवेंट गाइज बहुत बड़ा इवेंट है, देखा जाए तो पूरा वीक चलता है गाइज, और इस इवेंट में आपको बहुत ज़्यादा घोस्ट है पोकेमोन देखने को मिलेंगे। जितने भी नए ट्रेनर्स हैं, जिन लोगों ने अभी गेम डाउनलोड किया और वो पागल हो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये इवेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है गाइज, क्योंकि यहाँ पर आप तमाम घोस्ट है पोकेमोन्स को इवॉल्व कर सकते हैं, प्लस रेड्स कर सकते हैं, और नए नए कॉस्ट्यूम वाले पोकेमोन्स अपीयर होते हैं गाइज, बहुत बड़ी बात है। लास्ट ईयर यन मास्क आया था, कितने मतलब ग्लेरियन पोकेमोन्स, कितने वेरिएंट आए थे गाइज, शाइनी मिलती है, रेड्स होती हैं गाइज, बहुत कुछ होता है इस इवेंट में, मेगा पोकेमोन्स भी नए आ जाते हैं कभी कभार। तो गाइज ये मेरा फेवरेट है गाइज। उसके बाद कैंटो टूर हो गया, उसके बाद बहुत सारे और भी इवेंट होते हैं जो कि पेड होते हैं, बट ये हर साल नहीं होते हैं गाइज, इस बार पहली बार हुए, तो कैंटो टूर भी अच्छा था और सारे इवेंट अच्छे होते हैं, बट कुल मिला के मेरे को वो इवेंट अच्छा लगता है जिसमें कि आपके एक भी रुपये जेब से खर्च ना हो, और खर्च हो तो आपकी मर्जी के खर्च हो गाइज, ऐसे ज़बरदस्ती टिकट ना लेनी पड़े। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।